निगम की लापरवाही और अनदेखी के चलते परेशान खिलाड़ियों ने दुर्ग कलेक्ट्रेट से गुहार लगाई और फरियाद लगाते हुए बदबूदार कचरा फेंके जाने वाले लोगों पर कार्रवाई की बात कही। दुर्ग शहर से लगे ग्राम अंडा स्थित लक्ष्य मैदान में, जहां विगत 20 वर्षों से अधिक समय से अंडा मिनी स्टेडियम में संचालित है, यहां आसपास के 10 गांव के लगभग 150 बालक बालिकाएं अपनी पुलिस भर्ती और डिफेंस की तैयारियों को लेकर अभ्यास करते हैं। यहाँ इन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन वहीं कुछ दिनों से दुर्ग नगर निगम की अनदेखी और लापरवाही के चलते शहर से निकलने वाला कचरा इस जगह पर डंप किया जा रहा है। इससे परेशान होकर खिलाड़ियों ने दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी से मुलाकात कर समस्या सुनाई। बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे खिलाड़ियों ने बताया कि ग्राम पंचायत अंडा के बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए मैदान तो दिया गया है, लेकिन वहां से लगा एक निजी जमीन पर जो अमर बिल्डर का है। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो हम लोग ग्राम अंडा के मिनी स्टेडियम में काफ़ी वर्षों से पुलिस भर्ती आर्मी भर्ती का प्रशिक्षण निशुल्क किया जा रहा है, जिसके हमारे कोच ननकू चंद्राकर मतलब खिलेंद्र कुमार चंद्राकर और भरत लाल यादव द्वारा निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और जो मैदान में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ग्राम अंडा का सरकारी निजी सरकारी ज़मीन है, जो कि प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। हम लोग उसके लगे हुए निजी ज़मीन जो है अमर बिल्डर का है, वहाँ गंदगी डस्ट जो नगर निगम द्वारा या नगर निगम से मिला हुआ जो निजी ज़मीन है उसको हमारे स्टेडियम के जस्ट बाजू में डाल दिया गया है, जिससे हमारे रनिंग करने में और कई प्रकार की तकलीफ परेशानी हो रही है। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि एक जानकारी दे के उस स्थान में डाले और एक अच्छा जगह कहीं ऐसे जगह डाले कि किसी को परेशानी ना हो। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो, या तो किसी बात करे आके बताए कि क्यों डाले हैं कैसे डाले हैं। आपका परिचय देंगे? और मेरा नाम गुलशन कुमार दिल्लीवाल, मैं भी वही एक तैयारी कर रहा हूँ, प्रशिक्षण कर रहा हूँ पुलिस भर्ती और आर्मी भर्ती का। तो हम लोग यही चाहते हैं कि उसमें ये उस कचड़े जो है वहाँ लगे हुए हैं उसको उठा के कहीं दूसरी जगह डाले, ताकि हम लोगों को परेशानी ना हो। सर हाँ, हमारे ग्राउंड में हम लोग लगातार मतलब बहुत दिन से वहाँ प्रैक्टिस चल रही है, प्रॉपर डिफेंस की तैयारी होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। लेकिन जो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड में वहाँ कचरा नहीं डालना था, वो कचरा डालने का स्थान अलग होता है, तो आप वहाँ पे क्यों डाल रहे हो? उसको प्रॉपर साफ कीजिए। अगर आप साफ नहीं करते तो हमारा ट्रेनिंग वहाँ पे रुक जा रहा है और भर्ती भी पास आते जा रहा है। तो निवेदन यही है सर कि जल्द से जल्द उस ग्राउंड को खाली कराइए, साफ करिए। द्वारा कचरा डाला जा रहा है नगर निगम, ऐसे जानकारी मिले सर कि नगर निगम उसको डलवा रही है, मतलब उस पत्र में यही जानकारी दी है, कार्रवाई होगा ऐसे करके मैडम बोली है। जी, हमारा ग्राउंड है ग्राम अंडा और कुथरेल में लक्ष्य मैदान, जहां आसपास के 10 से 15 गांव के बच्चे बच्चियां सब हम जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। डिफेंस की तैयारी चलती है, फोर्स की, पुलिस की भी निकली हुई है, जस्ट अभी फॉरेस्ट की निकली है, उसको तैयारी कर रहे हैं। तो सरकारी ज़मीन है वहाँ पर, वहाँ को पंचायत द्वारा कुछ सहयोग मिलता है और वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बगल में निजी ज़मीन है, उसमें नगर निगम द्वारा कचरा डाल दिया गया है, रात में करीबन 50 से 100 ट्रिप डाल दिया गया। आज सुबह हमारे बच्चे, हम सब साथ में गए और प्रैक्टिस किए, उस टाइम में गाड़ी आ रही थी, उसको हम लोग रोके बताए और उसके बाद गाड़ी नहीं आई, तो वही मैडम कलेक्टर मैडम के ज्ञापन सौंपने आए थे कि उसको हटा दीजिए, मैम स्मेल भी बहुत आ रहा है और बहुत ज़्यादा रद्दी ही कचरा है वो बहुत, और पानी बरसात के दिन आ रहा है भाई, आएगा वर्षा पानी पड़ेगी और स्मेल मारेंगे, वहाँ पे हम लोग को दौड़ने में फिर दौड़ नहीं पाएंगे बच्चे। मैडम बोले जल्द कार्रवाई होगी करके। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।